Hello students, welcome to all of you in e-learning program organized by Srignan Muji Vidyapeeth. Today we are going to learn Sanskrit grammar. Sanskrit grammar hum pad rahe the to usme hamara topic tha sandhi. Sandhi ke bare mein humne last lecture mein dekha tha ki संधि किसको कहते हैं कि एक पदार्थ वर्ण दूसरे पदार्थ वर्ण के साथ मिलकर एक शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं. जोड़ना ऐसा मतलब होता है. तीन प्रकार की संधि होती है, ये हमने देखा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. उसमें से हमने स्वर संधि जो है वो कंप्लीट की थी. एक बार स्वर संधि का रिविजन कर ले, जो भी नियम थे वो थोड़े थोड़े देख ले. उदाहरण के साथ सबसे पहले स्वर संधि की जो डेफिनेशन है वो दी थी कि एक स्वर के साथ दूसरे स्वर को जोड़कर जो एक शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर और स्वर दोनों के स्वर स्वर की संधि होते हुए स्वर संधि, जैसे अ और अ आ होता है ये दीर्घ, आ और आ हो तो भी आ होता है और आ और अ हो तो भी आ होता है. हमने उदाहरण देखे थे, थोड़ा होमवर्क भी हमने किया था इसके साथ. अत्र प्लस अस्ति, चतुर प्लस आनन, कदापि, विद्यालय. दूसरा नियम देखा था कि ई प्लस ई हो, समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है, उ प्लस उ हो तो दीर्घ उ हो जाता है. उसके उदाहरण हमने देखे थे, भानु प्लस उदय भानोदय, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है. फिर देखा था कि ई हो, सामने ई के सिवा का कोई भी स्वर हो, यहाँ पे अ है तो य हो जाता है. दीनानि प्लस अपगतानि, दीनान्यपगतानि, नारी प्लस अस्ति, नारी अस्ति, ई प्लस उ हो तो भी प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर. दूसरा नियम हमने देखा था उ प्लस उ के सिवा का कोई भी स्वर हो तो वह हो जाता है. उ प्लस अव, उ प्लस ए वे, मधु प्लस सरिहि मध्वरिहि, खलु प्लस एषः खल्वेषः. बाद में रू प्लस रू के सिवा का कोई भी स्वर हो तो र हो जाता है. पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा. फिर हमने देखा था कि एक तरफ अ या आ हो और सामने ई हो, ह्रस्व हो दीर्घ हो कुछ भी हो, तो ए होता है. अ मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि कंडीशन जो है वह चेंज नहीं होनी चाहिए, अ प्लस ई ही होना चाहिए, ई प्लस अ नहीं, कहीं भी नहीं, पहले अ ही होना चाहिए, बाद में ही ई होना चाहिए, तो ही अ और ई का ए ऐसा बनता है. तो परिश्रमेण प्लस इच्छति तो हुआ परिश्रमेण इच्छति, अ प्लस ई ए, नयनेन इक्षते तो हुआ नयनेन इक्षते, आ प्लस ई प्लस ए, माता प्लस इव मातेव. फिर अ प्लस उ हो तो ओ होता है, फिर रस्व हो या दीर्घ हो तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, हृदय प्लस उर्मि हृदयोर्मि, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम. अ प्लस ए हो तो ऐ होता है अद्येव, आ प्लस ए हो तो ऐ होता है तथा प्लस एव तथैव, अ प्लस ओ हो तो ओ होता है जलोघ, आ प्लस ओ हो तो ओ होता है सदौत्सुक्यम. फिर हमने जो होमवर्क दिया था वह होमवर्क अपने सबने सही ही लिखा है, अच्छी तरह से होमवर्क किया है. समझता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, इसलिए अच्छी तरह से होमवर्क किया है. फिर भी कुछ कुछ जो है चले नहीं, वह में काफी सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है, तथात्मा में मिस्टेक हुई. एक बार देख लेते हैं, सबसे पहला वर्ड है इत्यर्थोक्ते, ठीक है, तो उसका होगा इति प्लस अर्ध प्लस उक्ते. फिर
दूसरा वर्ड है चोक्तम, तो उसका होगा च प्लस उक्तम। फिर है चलेनेव, तो होगा चलेन प्लस एव। फिर फोर्थ वर्ड है ममैव, मम प्लस एव। और तथात्मा को तथा प्लस आत्। संधि में खास याद रखें कि जब हम संधि अलग करते हैं तो दो शब्द होने चाहिए, तथ ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं सारे स्टूडेंट्स ने तथ ऐसा लिखा है, तो तथ ऐसा कुछ होता नहीं है। तथा यह एक प्रकार का अव्यय है, यथा तथा इस तरह से, इसलिए तथा प्लस आत्मा ये सही है। ठीक है, फिर संधि छोड़ने वाली जो थी उसमें था च प्लस ऊर्ध्वम, तो च प्लस ऊर्ध्वम, तो किस तरह से होगा, ये च है ये उ है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, तो अ और उ ओ हो जाता है, तो हो जाएगा चोर्ध्वम। फिर है तत्र प्लस एव, इसमें क्या होगा, यहाँ पे तत्र अ है, यहाँ पे क्या है ए है, अ है और ए है, तो अ और ए आई हो जाएगा, तो हो जाएगा तत्रैव। ठीक है, फिर है तुंडेन प्लसस्य, प्लसस्य और अ आ हो जाएगा, हो जाएगा तुम्बे नास्य। फिर है शिष्य हिताय प्लस उद्यत, और उ ओ हो जाएगा, तो क्या होगा शिष्य हिता युत्यत। फिर है कर्मणि प्लस एव, और ए ई के सामने के सिवा का कोई स्वर हो तो यह हो जाता है, तो यहां पे होगा यह कर्मण्येव। तो इस तरह से जो होमवर्क दिया था उसके वर्ड थे, तो यह सोल इस तरह से होगा। अब दूसरी संधि है व्यंजन संधि, आज हमको पढ़नी है व्यंजन संधि। पहले हम पढ़े थे स्वर संधि। व्यंजन संधि किसको कहते हैं कि दो व्यंजनों को परस्पर जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या था कि दो स्वर को जोड़ने से जो शब्द बनता है, स्वर के सामने स्वर हो, अत्र प्लस अस्ति, अ के सामने अ हो, इसमें क्या होगा व्यंजन के सामने व्यंजन होना चाहिए, ऐसे जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब सबसे पहले व्यंजन संधि में देखते हैं, बहुत सीधा साधा उदाहरण, नाइन्थ में भी यह आता है।
अपने आप पढ़े भी थे कि शब्द में अनुस्वार होता है तो कब आधा म आता है और कब अनुस्वार आता है, तो उसके लिए जो नियम है वह पहली व्यंजन संधि है। कहा कि पद के अंत में म के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार होता है। पद के अंत में यानी कि शब्द के अंत में म हो, जैसे कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है देवम, तो शब्द के अंत में यहाँ पे म है, वह पद के अंत में म, और सामने क्या कहा कि सामने क्या होना चाहिए व्यंजन, तो ये वह है वह व्यंजन है। अ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ ये सब स्वर है, इसके सिवा के जो क ख ग ग ग ये जो है ये सब व्यंजन है। तो इस व्यंजन में से कोई भी व्यंजन सामने हो और शब्द के अंत में आधा म हो तो क्या हो जाता है, म की जगह पर अनुस्वार लिखना चाहिए, वहां पे अनुस्वार यानी कि ऊपर डॉट हो जाता है। तो शब्द के अंत में यहां पे दिया गया है देवम प्लस वंदे, तो यहां पे जो म है और सामने व है तो उसके जगह पर हम अनुस्वार कर देंगे ऊपर डॉट करके देवम वंदे। ठीक है, देवम वंदे इस तरह से होगा, देवम वंदे। दूसरा एक उदाहरण दिया है ग्रामम प्लस गच्छति, ग्रामम यहाँ पे म है और यहाँ पे ग है जो कि एक व्यंजन है, तो वहां पे व्यंजन है तो व्यंजन का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा ग्रामम गच्छति। शब्द जो है वह ऐसे ही रहेगा, उच्चारण में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ग्रामम गच्छति, लेकिन जब व्यंजन हो तो म का अनुस्वार करके लिखना चाहिए। फिर दूसरा कि आधा म कब आता है, तो पद के अंत में म यानी कि शब्द के अंत में म होना चाहिए, ठीक है जिस तरह से ऊपर था। बाद में कोई भी स्वर हो, यहां पे क्या था कि कोई भी व्यंजन हो लेकिन सामने जब स्वर हो तो वह स्वर म में मिल जाता है और म पूर्ण अक्षर बन जाता है, आधा म हो उसकी जगह पे जो भी सामने स्वर है वह म में मिल जाएगा और म जो है वह पूर्ण अक्षर हो जाएगा, जिस तरह से उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिया है धनम प्लस इच्छति। ठीक है, तो यहाँ पे म जो है वह म आधा है और सामने इच्छति में ई है, तो म में ई मिल जाएगा तो हो जाएगा धनम इच्छति। ठीक है, अब है त्वम प्लस अक्षरम, त्वम अक्षरम ऐसा है, त्वम म आधा है और सामने अक्षरम, ऐसे म है और सामने अ, तो ये अ जो है वह म में मिल जाएगा और हो जाएगा त्वम अक्षरम। धनमिच्छति त्वम अक्षरम, ठीक है।
तो इस तरह से जब पद के अंत में म हो और सामने व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, पद के अंत में म हो और सामने स्वर हो तो म जो है वह पूर्ण हो जाता है, वह अ या ई है वह म में मिल जाते हैं। धनम इच्छति त्वम अक्षरम, यह जो नियम है वह संधि में भी और एक आपको पेपर हमारे पेपर स्टाइल में है जिस तरह से नाइन्थ में था कि अंडरलाइन वर्ड एक पैराग्राफ होता है उसमें दो या तीन अंडरलाइन वर्ड होता है उसको फिर से हमको करेक्ट करके फिर से लिखने होते हैं, तो इसमें भी यह नियम आएगा। ठीक है, तो वह जब सीखेंगे तब भी मैं बताऊंगा कि सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी गई होती है, तो वह जो अंडरलाइन है अंडरलाइन वर्ड है उसको करेक्ट करके फिर से लिखना होता है। ठीक है, अब आगे अच्छी तरह से ध्यान देकर इस नियम को समझना तो ही आप अच्छी तरह से इसको सीख पाओगे, वरना कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान देकर इस नियम को पढ़ना है। तो आगे का नियम है अनुनासिक को छोड़ के, अनुनासिक वर्ण जो है यहां पे लिखा है कि अनुनासिक वर्ण, पांच अनुनासिक वर्ण है, कौन कौन से, ग य ण न म, ये पांच अनुनासिक वर्ण है। इसको अनुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी स्थान है शब्द के, यहां पे नीचे मैंने कोष्टक एक दिया है जो कि आप एट स्टैंडर्ड में सीखे, ठीक है, ये क ख ख ग ग ये जो पांच है इसका स्थान है कंठ। इसका स्थान है कंठ। अब कंठ स्थान है तो उसके साथ वह नासिका में भी उच्चारण होगा, ग ग ये बोलते हैं तो गले में से आवाज आती है, लेकिन नाक का भी नासिका का भी यूज होगा उच्चारण करने के लिए, तो ये अनुनासिक वर्ण हुआ। इसका स्थान तो है ही लेकिन उसके साथ नासिका का भी उपयोग होता है, इसलिए इसको अनुनासिक ऐसे पांच वर्ड जो है पांच फाइव लेटर जो है उसको अनुनासिक ऐसा कहते हैं, ग य ण न म। जैसे मैंने आपको बताया कि क ख ग घ ङ ये पांच है उसका स्थान तो कंठ है, लेकिन कंठ के साथ में जो लास्ट जो है लेटर वह अनुनासिक है सभी के, जिसके भी लास्ट लेटर है वह अनुनासिक है। ठीक है, अब दूसरा देखें कि यह जो है च छ च ज और य, इसका स्थान है इचुएशन ताल, यानी कि तालु ऐसा जिसको कहते हैं हम तालु, इसका स्थान है तालु। यह आप एक स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से सीखते हैं। ठीक है, तालु ऐसा स्थान है इसका, तो उसके साथ ही य है य य य य य जब बोलते हैं तो वह जीभ जो है वह तालु वहां पे स्पर्श करती है, लेकिन साथ में नासिका का भी यूज होता है, इसलिए ये पांच जो लेटर है उसको अनुनासिक वर्ण ऐसा कहते हैं।
तो सबसे पहले नियम में क्या कहा कि अनुनासिक को छोड़ के, अनुनासिक जो भी है उसको छोड़ के कोई भी पदांत व्यंजन हो, पद के अंत में यानी कि शब्द के अंत में हमने देखा तो शब्द के अंत में अनुनासिक को छोड़ के कोई भी पदांत व्यंजन हो, दूसरा कोई हो, उनके बाद में उसके बाद में क्या होना चाहिए, स्वर, कोई भी स्वर हो अथवा घोष व्यंजन हो। स्वर तो आप जानते हैं, स्वर कौन कौन से, अ आ ई ई ऊ, इसमें से कोई भी सामने स्वर हो, स्वर न हो तो घोष व्यंजन हो। अब घोष व्यंजन किसको कहते हैं, वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें अक्षर को घोष व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे मैंने घोष व्यंजन को देखिए, आप नीचे ये जो है सभी घोष व्यंजन है, ये वर्ग तो पांच पांच अक्षर का होता है और दूसरे जो घोष व्यंजन थे वो मैंने इसे नीचे लिखे हुए, यर ल व ह, ठीक है। तो ये सब जो है घोष व्यंजन है, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर वर्ग का, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये वर्ग हुआ, ठीक है। स्थान के आधार पर ये सब वर्ग हुए और उसके तीसरे चौथे और पांचवें अक्षर को क्या बोलते हैं, घोष व्यंजन बोलते हैं, घोष व्यंजन ऐसा कहते हैं। तो नियम क्या दिया गया कि अनुनासिक को छोड़ के कोई भी पदांत व्यंजन हो और सामने क्या होना चाहिए, स्वर या घोष व्यंजन, तो क्या होता है उस पदांत व्यंजन की जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, उस पदांत व्यंजन की जगह पर जिस पदांत व्यंजन जिस वर्ग का हो उस वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। पदांत व्यंजन जो है वह जिस वर्ग का हो उसका तीसरा अक्षर हो जाता है। अनुनासिक गायण नम, ये जो है उस उसको छोड़ के कोई भी पदांत व्यंजन हो उसके बाद में स्वर हो या घोष व्यंजन हो तो उस पदांत व्यंजन की जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, ठीक है। यह जो है स्वर हो अथवा तो ये सब घोष व्यंजन है, इतने सारे जो है ये सब क्या है, घोष व्यंजन है, ठीक है। ये सामने हो तो क्या होता है, वर्ग का जो भी शब्द के अंत में अक्षर हो उसकी जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, ठीक है। समझ में, अब हम उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण है वनात प्लस वनम, ठीक है। तो पद के अंत में क्या कहा था कि अनुनासिक वर्ण नहीं होना चाहिए, जो पांच है ग य ण न म वह नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अनुनासिक वर्ण है ही नहीं, यहाँ पे है त, ठीक है। और सामने घोष व्यंजन है, य र ल व ह, ये सब घोष में आता है, वह है वह घोष व्यंजन है, तो क्या होगा, ये जो पद के अंत में शब्द के अंत में जो भी अक्षर है लेटर है उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। अब देखो तो त थ द, ये जिस वर्ग का है, देखो यहां पे त है,
तो जिस स्वर्ग में हो उसका तीसरा अक्षर हो जाएगा द, त की जगह पर। देखो इसमें से कोई भी हो, थ हो ध हो, तो उसकी जगह पे द हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अंत में था त, अंत में त था और सामने क्या था, कोश व्यंजन, इसलिए पे त की जगह पे द हो जाएगा। तो यहां पे है वनात प्लस वनम, इसलिए वनाद वनम, हमने इसको द्व लिखा है इस तरह से। तो ये है वनाद वनम, त था उसकी जगह पर हमने द कर दिया है, वनाद वनम। अब दूसरा उदाहरण है दिक् प्लस अंत। तो इसमें भी यह सिचुएशन जो दी, कंडीशन जो दी गई है वह अप्लाई होती है कि पद के अंत में अनुनासिक वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो क है वह अनुनासिक वर्ण नहीं है, उसके सिवा का ही व्यंजन है, ठीक है। और अंत तो सामने स्वर है, स्वर या घोष व्यंजन होना चाहिए, तो यहाँ पे घोष व्यंजन नहीं है लेकिन स्वर दिया गया है। तो पद के अंत में जो है उस स्वर का तीसरा अक्षर होगा, तो क ख व कोष्टक की ग तीसरा होगा, क वर्ग का तीसरा होगा ग, ठीक है। इसलिए हो गया दिगंत, यहां पे दिग आधा हो जाएगा, क और तीसरा होगा ग, ठीक है। यह जो है होगा यहां पे होगा दिग, प्लस अंत हो जाएगा दिगंत, ठीक है। अब उसके आगे उदाहरण है बिलात बही, यहां पे त है और सामने ब जो है वह घोष व्यंजन है, तो त की जगह पर क्या होगा, तीसरा अक्षर द, इसलिए होगा बिलात बही, ठीक है। फिर चौथा उदाहरण है अच प्लस अंत। च जो है वह अनुनासिक वर्ण नहीं है और अंत में है अच च, तो यह जो कंडीशन दी गई उसके आधार पर सही है, सामने स्वर है, घोष व्यंजन या स्वर होना चाहिए, तो स्वर है सामने, तो च की जगह पर च हो जाएगा अजंत, इस तरह से होगा अजंत, ठीक है। तो यहां पे जो नियम दिया गया है कि अनुनासिक गायन नामों को छोड़ के कोई भी पदार्थ व्यंजन हो तो उसके बाद में स्वर अथवा घोष व्यंजन हो तो उस पदार्थ व्यंजन की जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, तो उसके आधार पर यह जो नियम है वह हमने एग्जाम्पल जो है उस नियम के आधार पर दिए, तो परफेक्ट है। वर्णात प्लस वनम, वनाद वनम, दिग प्लस अंत, दिगंत, बिलाद प्लस बही, बिलाद बही, अच प्लस अंत, अजंत। दूसरे थोड़े उदाहरण देखते हैं। षट प्लस एव, इस तरह से है षट प्लस एव। अब यहां पे है ट, पद के अंत में ट है,
तो षट प्लस एव, तो ट जो है अंत में है, सामने स्वर है, घोषणजन्य स्वर होना चाहिए, तो ट ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, ट ठ ड ट फिर ठ ड, तो ट की जगह पर क्या होगा ड, तो हो जाएगा षडेव इस तरह से। यत भवति, यत प्लस भवति, त तो है उसके सामने भ जो है वह घोष व्यंजन है, तो त की जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा द, तो कैसे होगा यद भवति इस तरह से। यद भवति तो इस तरह से अनुनासिक वर्ण को छोड़कर अंत में कोई भी वर्ण हो और सामने घोष व्यंजन या स्वर हो, तो अंत में जो वर्ण है उसकी जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब जो है कि पद के अंत में आए हुए त के बाद सभी जगह पर पद के अंत में क्या होना चाहिए, त तो होना चाहिए, और त के सामने जो भी अक्षर कहे गए हैं तो वह संधि होगी, वो आधा त है उसकी संधि होगी। ठीक है, अभी देखो सबसे पहला नियम क्या है, पहले कंडीशन क्या है कि पद के अंत में आए हुए त के बाद में च हो या छ हो, तो पद के अंत में त हो और बाद में क्या कहा च हो या छ हो, तो त का क्या होता है च हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे है यावत, सामने है चक्रम, पद के अंत में त है और सामने च है, तो त का क्या हो जाएगा च हो जाएगा, तो हो जाएगा यावत चक्रम। दूसरे उदाहरण में पद के अंत में त है महत और सामने छत्रम, तो कहा था कि सामने च हो या छ होना चाहिए, तो ऐसा जब हो तो त का क्या हो जाएगा च हो जाएगा, तो महत छत्रम सामने छ है इसलिए त का हमने कर दिया च। ठीक है, तो जब भी पद के अंत में त हो और सामने च या छ हो तो त का च हो जाता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा कहा कि पद के अंत में आए हुए त के बाद में क्या होना चाहिए छ या ज, तो त का च हो जाता है। पद के अंत में त होना चाहिए और बाद में सामने च या ज हो तो च हो जाता है त का। यहाँ पे है तत् प्लस जय,
ठीक है, तत् है और सामने है चय, तो तका हो जाएगा ज और बन जाएगा तज्जय। यहाँ पे हो गया तज्जय इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे उत ज्वल पद के अंत में त है और सामने ज दिया गया है, ज दिया गया है, तो इसलिए हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि पद के अंत में आए हुए त के बाद में न या म हो तो त का न हो जाता है, तत् प्लस निशम्य। यहाँ पे तत् आधा त है और सामने न है, तो त की जगह पर क्या होगा, न हो जाएगा तन निशम्य, ठीक है। फिर है तत्मय, त है आधा उसके बाद म है, तो त का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, इसलिए हो गया तन्मय। पहले कहा कि तो अंत में हो बाद में च या छ हो तो च हो जाता है, बाद में कहा कि तो अंत में हो बाद में ज या ज हो तो ज हो जाता है, बाद में कहा कि पद के अंत में त हो और सामने न या म हो तो न हो जाता है, और लास्ट में कहा कि पद के अंत में आए हुए त के बाद में ल हो तो त का ल हो जाता है, जिस तरह से तत् प्लस लीन, तो सामने ल है इसलिए यहाँ पे भी ल हो जाएगा तल्लीन, भगवत प्लस लीला तो भगवल लीला, इस तरह से होगा। तो व्यंजन संधि के जो भी नियम थे वह हमने देखे, एक बार फिर से देख ले कि अनुनासिक वर्ण को छोड़ के कोई भी पदांत व्यंजन हो उसके बाद में स्वर के कोष व्यंजन हो तो वह पदांत व्यंजन की जगह पर वर्ग का तीसरा अक्षर होता है, वनात प्लस वनम त अंत में है तो त की जगह पर तीसरा अक्षर द हो जाएगा, वनाद वनम, ठीक है। फिर देखा कि अंत में त हो सामने च या छ हो तो त का च हो जाता है, अंत में त हो सामने ज या ज हो तो त का च हो जाता है, अंत में त हो सामने न या म हो तो त का न हो जाता है, और सामने ल हो तो त का ल हो जाता है। तो इतने व्यंजन संधि के नियम देखे। अब हम होमवर्क देखते हैं आज का, पांच वर्ड पहले जिसकी हम संधि अलग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है लोहाद, भिन्नम, लोहाद भिन्नम, दूसरा है कियच्च,
तीसरा है एतन निवेदितम। देखो अच्छी तरह से ध्यान देकर सभी संधि करनी होगी। चौथा है कदाचिदपि। और फिफ्थ वर्ड है कदाचित न चापी। ये पांच वर्ड जो है ये आपको होमवर्क में लिख के लाने हैं, इसकी संधि अलग करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।